आज चालू करो अपन डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो डिफ्रैक्शन क्या है, ठीक है समझो। देखो ये दो डायग्राम निकलता मैं, ये समझो एब्स्ट्रैक्टल है, एब्स्ट्रैक्टल ए बी, और ये सोर्स है, ठीक है ये स्क्रीन है। तो क्या होगा, यहां से लाइट ऐसे जाएगा, यहां से ऐसा लाइट जाएगा, यहां से। तो इसमें से लाइट पास नहीं होगा क्योंकि एब्स्ट्रैक्टल है, एब्स्ट्रैक्टल मुझे अड़थड़ा, ये जो तुम लाइट बाहर पड़ना नहीं। तो इसकी जो ये जो पार्ट है यहां से यहां तक की, ठीक है ना, ये ज्योमेट्रिकल शैडो है, इसको बोलते ज्योमेट्रिकल शैडो, सावली छाव, इसकी छाव यहां पे गिरने वाली है। तो ये जो है, ये जो कॉर्नर है एब्स्ट्रैक्टल का, यहां से लाइट टर्न होके ये ज्योमेट्रिकल शैडो में आएगा, यहां से लाइट टर्न होके ये ज्योमेट्रिकल शैडो में आएगा और यहां पे डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म हो जाएगा। जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न है वैसे ये डिफ्रैक्शन पैटर्न यहां पे बन जाएगा। तो फिनोमिना इज नोन एज ए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो मैं ऐसे भी कर सकते, ये सोर्स है, ये दो एब्स्ट्रैक्टल है, ये स्लीट है समझो, नैरो स्लीट, ये नैरो स्लीट है समझो, ये जो ये स्क्रीन, ये जो कॉर्नर है एब्स्ट्रैक्टल का, यहां पे लाइट टर्न होके ये इसके ज्योमेट्रिकल शैडो में आएगा, ये जो है ऊपर का पार्ट ये शैडो है, ये भी नीचे का जो पार्ट है ये भी शैडो है। तो शैडो के अंदर डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म हो जाता है। तो द बेंडिंग ऑफ लाइट, बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर्स ऑफ, राउंड द कॉर्नर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्टल इन द ज्योमेट्रिकल शैडो, इन द इन इट्स, ऐसा लिखेंगे अपन, इन इट्स ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड एज डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। इसको डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट बोलते हैं। ये हो गए डिफिनेशन, बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्टल इन इट्स ज्योमेट्रिकल शैडो। तो ये जो कॉर्नर है, कॉर्नर पे लाइट टर्न होता, कॉर्नर पे लाइट टर्न होता, वो कैसा टर्न होता देखेंगे अपन ज्योमेट्रिकल शैडो के अंदर। वहां पे डिफ्रैक्शन पैटर्न फॉर्म हो जाता, जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न है तो व्हिच कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड, तशाच पद्धतीने हा डिफ्रैक्शन पैटर्न असतो, व्हिच कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड। तो बेंडिंग ऑफ लाइट राउंड द कॉर्नर्स ऑफ एब्स्ट्रैक्टल इन इट्स ज्योमेट्रिकल शैडो इज कॉल्ड एज ए डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। देखो ये जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, समझ में आया ना, ये जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, तो ये जो वेवलेंथ है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, अपन जो लाइट पास कर रहे हैं यहां से, इसकी जो वेवलेंथ है इज स्मॉल, यानी उसकी जो वेवलेंथ है उसके नियर अबाउट सेम होना चाहिए, किसके, साइज ऑफ एब्स्ट्रैक्टल, इट इज इक्वल टू द साइज ऑफ एब्स्ट्रैक्टल। तो ऐसे लिखेंगे अपन साइज ऑफ, इजी लैंग्वेज में साइज ऑफ एब्स्ट्रैक्टल इज, साइज ऑफ एब्स्ट्रैक्टल इज, और इज साइज ऑफ एब्स्ट्रैक्टल इज ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट, वेवलेंथ ऑफ
लाइट, यानी समझो साइज ऑफ एब्सट्रैक्ल ये है, तो लैमड़ा इज इक्वल टू ये, इसको अपन ऐसे बोल सकते लैमड़ा अपॉन ए इज इक्वल टू वन। देखो देयर आर टू टाइप्स ऑफ, देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, वन नंबर। देखो दो टाइप के हैं, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, फ्रेस्नेल डिफ्रैक्शन, ठीक है। देखो इसके अंदर जो है जो सोर्स है, जैसे तुमको मालूम है सोर्स एब्स्ट्रैक्ल होना, सोर्स होना और स्क्रीन होना डिफ्रैक्शन के लिए, तो ये जो सोर्स है ये सोर्स उनको फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर रखना पड़ेगा स्लिट से, समझ में है ना। तो दिस डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व व्हेन सोर्स ऑफ लाइट एंड क्यों सोर्स ऑफ लाइट लाइज एट फाइनाइट डिस्टेंस, ये ख्याल में रखना है, लाइज एट फाइनाइट डिस्टेंस, सोर्स ऑफ डिफ्रैक्शन जो है वो फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर होना अपने को, समझ में है ना। और वो जो स्क्रीन है, स्क्रीन ऑल्सो फाइनाइट डिस्टेंस, फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट, फ्रॉम स्लिट द स्क्रीन इज ऑल्सो एट फाइनाइट डिस्टेंस, एट फाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट, फ्रॉम स्लिट। तो ये जो डिफ्रैक्शन है, जैसे तुमको मालूम है कि डिफ्रैक्ट वेव फ्रंट, स्फेरिकल वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट, ये जो है ये डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल वेव फ्रंट होता है, डिफ्रैक्शन ड्यू टू स्फेरिकल वेव फ्रंट, तुमको पढ़ाया था स्फेरिकल वेव फ्रंट, पर ज्यादा डिटेल में तुम्हारे सिलेबस के अंदर फेनोफर डिफ्रैक्शन है, सेकंड नंबर, सेकंड नंबर फेनोफर डिफ्रैक्शन, फेनोफर डिफ्रैक्शन, फेनोफर डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। जैसे अभी यहां पे बताए ये जो सोर्स है ये सोर्स फाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, मुझे का तो ठहरी अंतर है स्लिट पासून, इसके अंदर जो सोर्स है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है, ये बेसिक डिफरेंस है इसके अंदर, समझना है ना। ये जो सोर्स है सोर्स रखना पड़ेगा तुमको इनफाइनाइट डिस्टेंस, सोर्स कहां पे रखना पड़ेगा इनफाइनाइट डिस्टेंस, समझना है ना। दिस डिफ्रैक्शन ऑब्जर्व व्हेन सोर्स लाइज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट, इनफाइनाइट डिस्टेंस फ्रॉम स्लिट। तो ये क्या होगा, जैसे सोर्स इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, जैसे सन इज ए सोर्स ऑफ लाइट वो इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ठीक है, तो क्या होगा कि ये सोर्स है इनफाइनाइट डिस्टेंस ऐसा लाइट, तो यहां पे कॉन्वेक्स रेज रखना पड़ेगा, यहां से फिर ऐसे पैरेलल वे निकलेंगे, वेव फ्रंट निकलेंगी प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट इंसिडेंट ऑन स्लिट, ये दोनों स्लिट है या भी एब्स्ट्रैक्ट इसको अपन स्लिट बोलेंगे, स्लिट तो प्लेन वेव फ्रंट यहां पर निकलेंगी, समझ में है ना। That is plane wave front incident on slit
तो ये जो प्लेन ओपन है, ये प्लेन ओपन मिलाने के लिए कॉन्वेक्स लेंस यूज करना पड़ता है लेबोरेटरी के अंदर, तो ये फेनोपर डिफ्रेक्शन है। ठीक है, तो अभी अपन एक बड़ा आर्टिकल चालू कर देंगे, फेनोफर डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। देखो बड़ा आर्टिकल है, तो आज मैं तुमको इसके डायग्राम पढ़ाऊंगा और बेसिक कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा उसके कि क्या क्या करना है आपने को। ठीक है, देखो फेनोफर डिफेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। देखो यहां पे पहले क्या करना है, तुमको सोर्स निकालना है। क्या करना है, सोर्स। ये सोर्स निकाल लिया मैंने, एस एन ए सोर्स, ये मोनोक्रोमेटिक सोर्स है। फिर इसके सामने जो है, इसके सामने अपने को कॉन्वेक्स लेंस रखना पड़ेगा, क्योंकि ये जो सोर्स है एक इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, ये कॉन्वेक्स लेंस है। यहां से ऐसा लाइट इंसिडेंट होगा, ठीक है, यहां से ऐसे पैरेलल में निकलेंगे, फिर ये सिंगल स्लिट है, ये स्लिट है। देखो यहां पे जो ये है विड्थ ऑफ स्लिट, तो ये डिस्टेंस बन गया है a/2, ये डिस्टेंस बन गया है a/2, ये टोटल विड्थ है, ये इसको विड्थ ऑफ स्लिट बोलते हैं। ये जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस ये है विड्थ ऑफ स्लिट। इसमें से जो लाइट जा रहा लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट, इसके नीचे तुम लिख सकते लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट, लैम्डा यानी वेवलेंथ ऑफ लाइट है, ये यानी विड्थ ऑफ स्लिट है। तो इसके समझो दो पार्ट, ये a/2, a/2। अब देखो यहां पे अपने को ये स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, आर्टिकल का नाम लिख लो तुम, डिफ्रेक्शन, फेनोफर डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। क्योंकि अभी बोर्ड का काम है इसलिए मैं मिटा देता हूं यहां पे। तो यहां पे तुमको रखना है कॉन्वेक्स लेंस, ये ऐसा कॉन्वेक्स, ये L1 कॉन्वेक्स लेंस, ये L2 ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। ये सोर्स ऑफ लाइट है, सोर्स ऑफ लाइट। देखो मैं तुमको कौन सा आर्टिकल पढ़ा रहा, डिफ्रेक्शन आर टू टाइप, फेजनेल एंड फेनोफर, फेनोफर डिफ्रेक्शन ड्यू टू सिंगल स्लिट। ये सोर्स, ये कॉन्वेक्स लेंस, यहां से पैरेलल वेवफ्रंट यहां पे आ गई, क्योंकि सोर्स इज एट इनफाइनाइट डिस्टेंस, इनफाइनाइट डिस्टेंस से एक्चुअली स्फेरिकल वेवफ्रंट निकलती, उसका जो स्मॉल पोर्शन होता वो होता प्लेन वेवफ्रंट, तो यहां पे प्लेन वेवफ्रंट इंसिडेंट हो गई। तो देखो ऐसे यहां से वेज निकलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस की प्रॉपर्टी क्या है, कन्वर्जेंस, तो ये जो वेज है ये यहां पे आ जाएंगे P0। देखो यहां पे ये जो स्क्रीन है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन पे डिफ्रेक्शन पैटर्न फॉर्म हो जाएगा, स्क्रीन पे क्या फॉर्म हो जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा बोलती है इसको, ये पॉइंट P0, समझ में आया ना, ये सेंट्रल मैक्सिमा है। जैसे ब्राइट इंटरफेरेंस के अंदर इंटरफेरेंस कंसिस्ट ऑफ ऑल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड, इंटरफेरेंस तुमको मालूम है सेंटर का बैंड रहता ब्राइट बैंड, डार्क बैंड ब्राइट बैंड, ऐसा इंटरफेरेंस पैटर्न रहता। जैसे ये जो सेंटर है स्क्रीन यहां, इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते, इंटेंसिटी ज्यादा रहती है यहां पर, इंटेंसिटी इज मैक्सिमम। जैसे ब्राइट बैंड के ऊपर और नीचे तुमको डार्क बैंड मिलते हैं, वैसे यहां पे ये पहला डार्क ये दूसरा डार्क ऐसे बनती है। जैसे इंटरफेरेंस पैटर्न मालूम है तुमको, इंटरफेरेंस पैटर्न कंसिस्ट ऑफ अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड, इसके अंदर भी अल्टरनेट डार्क एंड ब्राइट बैंड रहते, देखो ऐसे रहते।
ये पहला डॉट, ये दूसरा डॉट, ये पहला डॉट, ये दूसरा डॉट, ये पहला बाइट, ये दूसरा बाइट, ये पहला बाइट, ये दूसरा बाइट। देखो ये बेसिक डिफरेंस क्या है, ये डिफ्रेक्शन पैटर्न है, ये इंटरफेरेंस पैटर्न है। इसके अंदर डिफरेंस क्या है, क्या डिफरेंस है याच्यामध्ये, जसं इंटरफेरेंस पैटर्न मध्ये जेवढे काही ब्राइट बँड असेल, समजा वरते 10 ब्राइट बँड आहे, खाली 10 ब्राइट बँड आहे, समजलं ना, सगळ्यांची इंटेन्सिटी ही सारखी असते, इक्वली ब्राइट असतात ते। पण यामध्ये असं नाही आहे, सेंटरचा जो ब्राइट बँड आहे याची इंटेन्सिटी सगळ्यात जास्त असते, पण जसं तुम्ही इकडे जसाल वरते आणि खाली पहा, इंटेन्सिटी गोज ऑन डिक्रीजेस। ये जो लाइन है ना, ये इंटेन्सिटी की लाइन है, देखो इसकी इससे कम है फिर इससे कम है, इंटेन्सिटी गोज ऑन डिक्रीजेस फ्रॉम सेंट्रल मैक्सिमा, इसका नाम है सेंट्रल मैक्सिमा। ये डिफ्रेक्शन पैटर्न है, ये इट इज नोन एज ए डिफ्रेक्शन पैटर्न, इसको डिफ्रेक्शन पैटर्न बोलते। तो देखो ये कॉन्वेक्स लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस ने क्या किया, कॉन्वर्जेंस प्रॉपर्टी है, पूरे लाइट है यहाँ पे कलेक्ट कर दिया, कॉन्वर्जेंस किया, यहाँ पे इंटेंसिटी बन गई ज्यादा, तो यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा हो गया तैयार, ठीक है। अब देखो फिर क्या होगा, यहां से यहां पे आ जाओ, देखो जब ये प्लेन ओपन यहां पे टच करेंगे, दिस पॉइंट बिकम ए सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट अकॉर्डिंग टू विजन प्रिंसिपल, ये सेकेंडरी सोर्सेस बन जाएंगे, ये क्या बन जाएंगे, सेकेंडरी सोर्सेस। सीधी लाइन मार दो यहां पे, ठीक है, ये सेकेंडरी सोर्सेस बन जाएंगे, ये हो ही। और यहां से ऐसे सेकेंडरी वेव निकले, यहां से सेकेंडरी वेव निकले, वेवलेट्स निकले और यहां पे कनेक्ट हो गए, ये होगा डिफ्रेक्शन। ये जो उसकी ज्योमेट्रिकल शैडो है, ये ज्योमेट्रिकल शैडो में लाइट गया है, और यहां पे डार्क बैंड फॉर्म हो सकता है, ब्राइट बैंड फॉर्म हो सकता, समझो अभी ये सेंट्रल मैक्सिमा, ये पहला डार्क यहां पे फॉर्म हो सकता। अब वो देखेंगे अपन, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ये एंगल थीटा, ठीक है, यानी ये क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट, लैम्बडा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, समझ में है ना, और ये जो कैपिटल डी है, ये कैपिटल डी है, ये डिस्टेंस कैपिटल डी नियरली इक्वल टू फोकल लेंथ। कैपिटल डी क्या है, डिस्टेंस बिटवीन स्लिट, ये स्लिट ए बी और स्क्रीन, स्लिट एंड स्क्रीन, ये कैपिटल डी है। ये क्या है, विड्थ ऑफ स्लिट, लैम्ब्डा क्या है, वेवलेंथ ऑफ लाइट, जो लाइट जा रहा है उसकी वेवलेंथ। कैपिटल डी इज द डिस्टेंस बिटवीन स्लिट एंड स्क्रीन, ठीक है। तो दिस इज द डायग्राम, ये डायग्राम, अब ये होगा समझो, ये डायग्राम तो नीचे का पार्ट होगा तुम्हारा। अब देखो ये जो लाइट यहां से यहां पे आ रहा, ये लाइट यहां से, ये सेकेंडरी सोर्स बन गए, ये दोनों यहां से सेकेंडरी सोर्स यहां पे आ गया, यहां से सेकेंडरी सोर्स यहां पे आकर को ऐसा लगता ना अपने को कि ये जो वेव है यहां से यहां तक जा रही, ये एपी और ये कौन सा है, ये बीपी, ये वेव का डिस्टेंस ज्यादा है, यानी कौन सा, ये बीपी ज्यादा है, एपी कम है, तो पार्ट डिफरेंस निकालना अपने को, ये पार्ट डिफरेंस आ जाएगा, ये डिस्टेंस ज्यादा बन गया, ये थीटा, इसको सी पॉइंट बोलेंगे अपन, 90 डिग्री। ये बीसी जो है ये पार्ट डिफरेंस बन गया, पार्ट यानी डिफरेंस यानी डिस्टेंस का डिफरेंस है, इतना डिस्टेंस ये दोनों वेव के अंदर ज्यादा है, वो निकालना है अपने को, तो निकाल सकते हैं अपन इन अ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, ए बी सी, ए बी सी निकाल लो, ए बी सी के अंदर पाथ डिफरेंस इन अ ट्रायंगल ए बी सी, पाथ डिफरेंस बी सी, ये निकालना है अपने को, ये पाथ डिफरेंस निकालना है, क्योंकि इतना डिस्टेंस ज्यादा है, तो निकाल लेंगे अपन। तो साइन थीटा इज इक्वल टू क्या है, साइन थीटा अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस,
यानी बी सी अपॉन ए बी, जब बी सी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, ठीक है, देखो बी सी इज इक्वल टू ए बी यानी क्या है विथ ए साइन थीटा, ये विथ है टोटल ए बी, तो बी सी पाथ डिफरेंस का क्या फॉर्मूला बन गया, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू बी सी, बी सी वैल्यू क्या है ए साइन थीटा, देखो अभी ये फॉर्मूला तुमको लर्न करना है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए साइन थीटा, पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू ए साइन थीटा, ठीक है, ये पाथ डिफरेंस बन गया अपना, कैसे निकला आगे समझ में तुम्हारे, यहां से लाइट निकली यहां पे आ गई, यहां से लाइट निकली यहां पे आ गई, इतना डिस्टेंस ये वेव ने ज्यादा कवर किया उसको बोलते पाथ डिफरेंस, ये एंगल ऑफ डिफ्रेक्शन है थीटा, तो ये जो एंगल, ये जो ट्रायंगल फॉर्म हो गया ए बी सी, इसके अंदर वो साइन थीटा निकालना है अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस की बेसिक वैल्यू आ गई तुम्हारी ए साइन थीटा, ये पार्ट डिफरेंस निकाल लिया, ठीक है। अब उसके बाद में एक नंबर का पॉइंट दे दो इसके अंदर का भी, ये जो पॉइंट है मैं लिखा के दे रहा वो सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट है, सेंट्रल मैक्सिमा, ये सेंट्रल मैक्सिमा का, देखो व्हेन ये जो लाइट है कहां पे गिवेंगे, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन स्लीट, ये जो लाइट है ये लाइट जब ये स्लीट के ऊपर गिरेगा, व्हेन लाइट फॉल्स ऑन स्लीट इट बिकम्स सेकेंडरी, ये सेकेंडरी सोर्स बन गए, इट बिकम ए सेकेंडरी सोर्स, क्यों इट बिकम ए सोर्स ऑफ, ऐसे भी लिख सकते हैं अपन, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, सेकेंडरी वेवलेट इट बिकम ए सेकेंडरी वेवलेट, सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट, यहां से सेकेंडरी वेवलेट निकली, अब देखो ये भी सेकेंडरी वेवलेट्स है, ये जो सेकेंडरी वेवलेट्स है, ठीक है, ये कहां पे कलेक्ट हो गए, पी जो पॉइंट के ऊपर, ये जो यहां से सेकेंडरी वेवलेट निकले, अब इसका जान दो ऊपर का, अब ये इसके ऊपर कॉन्सेंट्रेट करो, यहां से जो सेकेंडरी वेवलेट निकले दे मीट एट पॉइंट पी जो, इन फेस के अंदर हो, यानी यहां पे ऊपर वाली की क्रेस्ट आ गई तो नीचे वाली की भी क्रेस्ट आ गई, तो ये कंस्ट्रक्टिव बन गए, समझ में आए ना, इसलिए यहां पे सेंट्रल मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर्म हो जाती और वहां पे बन जाता, इसको बोलते सेंट्रल मैक्सिमा, When light falls on slit, it become a source of secondary wavelets. ठीक है, यही पॉइंट के अंदर, and these secondary wavelets meet at point P0 in phase. इन सेम फेज, ये इंपॉर्टेंट है, इन सेम फेज, अगर सेम फेज में है तो वहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर्म होंगी, देयरफॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी विल बी फॉर्म एट पी जीरो, यहां पे मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर्म हो गई, एंड पॉइंट पी जो इज कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमा, इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते, पॉइंट पी जो इज कॉल्ड एज ए सेंट्रल मैक्सिमा, इसको सेंट्रल मैक्सिमा बोलते, देखो ये होगा सेंट्रल मैक्सिमा पॉइंट, तो यहां तक आ गया समझ में तुम्हारे, सेंट्रल मैक्सिमा, देखो यहां पे जब ये इंसिडेंट होंगे तो यहां से दिस पॉइंट बिकम ए सोर्स ऑफ सेकेंडरी वेवलेट्स अकॉर्डिंग टू हुइजन प्रिंसिपल, यहां से सेकेंडरी सोर्स निकले ऐसे, और ये यहां पे कलेक्ट हो गए, दे मीट एट पॉइंट पी जो इन फेज, देखो इंटेंसिटी इज मैक्सिमम एंड इट इज कॉल्ड एज सेंट्रल मैक्सिमा,